₹60 के अंदर मैंने आपको चिकन चावल सब्जी सब कुछ मिलेगा अनलिमिटेड धनिया पत्ता से। बहुत सुंदर। तो हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट अब बन के रेडी हो चुका है, लोगों का लाइन यहाँ पे लग चुका है, सब लोग अपना प्लेट लेकर के खड़े हो चुके हैं, वहाँ नाचवाते हैं और यहाँ खाते हैं। इतना जबरदस्त टेस्ट है। 60-70 kg 70 पहले पहले तो भाई शुरुआत किए थे हम एक मुर्गी से, क्योंकि दिन भर हम लोग खट रहे हैं, हम लोग का हाजिरी भी हो जा रहा है। पोट कलेजी गोड़ी मोड़ी सब मिक्स है, सब मिक्स है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी इस नई सी वीडियो में। और फिलहाल हम लोग हैं संग्रामपुर में, रांची में है, संग्रामपुर पे आए हैं। और आपको आज जो दिखाएंगे ना वीडियो, उस वीडियो में दिखाएंगे खाना भी दिखाएंगे और दिखाएंगे पावर ऑफ सोशल मीडिया। जी हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग जाते हैं फ्री का खाना खा करके आ जाते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आज दिखाएंगे आपको उस जगह पे ना कि अगर हम लोग जहाँ वीडियो शूट करते हैं उनका लाइफ जो है ना चेंज कैसे होता है। तो ये देखिए, ये जगह दिखा रहे हैं आपको, ये इसको बोलते हैं गरीबों का होटल। इसके पहले मैंने वीडियो शूट कर रखा था इसके अंदर में, और जब मैं आया था ना तो ये वाकई में था गरीब का होटल, लेकिन आज बन गया है अमीर का होटल। कैसे बन गया वो दिखाते हैं। यहाँ पे आइएगा ना आप, देखिए ये तो हो गया फर्स्ट सेटअप, जो मतलब पुराना होटल है ये वाला दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये इनका सेटअप हो गया नया वाला, मतलब टाइल्स मार्बल लग चुका है। अब इनके जो बेटे हैं वो अपग्रेड हो गए हैं, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ चेंज हो चुका है। चलते अंदर में, जैसे आइएगा ना आप, आपको दिख जाएगा ये ओल्ड वाला सेटअप आपका है, मतलब पहले मिलता था खाना इस जगह पे, लेकिन अब जो है ना, अब जो खाना जो है ना वो ये सेटअप जो है ना, ये वाला एरिया बिल्कुल नया बनाया गया है, टाइल्स मार्बल सब कुछ लगा दिया गया है, कुर्सी टेबल अच्छे से बैठा दिया गया है, और इस जगह पे अब खाना बनता है। तो क्या क्या बन रहा है, उसका प्राइस क्या है, उसका टेस्ट क्या है, थोड़ा बात करते हैं और फिर लगाएंगे अपना प्लेट, करेंगे टेस्ट, देखेंगे कि यहाँ का स्वाद जो कैसा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ चलेंगे ना आपको देखेंगे अंकल जी जो है कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, मतलब मेहनत करते हैं भाई साहब, इसीलिए जो है ना इनका दुकान चलता है, लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है ठीक है। क्या बना रहे हैं वैसे आज? अभी पोट कलेजी गोड़ी मोड़ी सब मिक्स है, सब मिक्स है। तो वीडियो बनाने का फायदा हुआ आपको? हाँ क्यों नहीं, बहुत लोग आते हैं, खोजते हैं, रोड में आते हैं, पूछते हैं कि उसका झोपड़ी होटल कहाँ है, या गरीबों के 5-star होटल से भी प्रचार है। बहुत सभी लोग वही पूछते हैं कि क्या है, पूछते हैं कहाँ है। तो कितना किलो सेल कर रहे हैं आजकल? अभी क्या चीज, चिकन? चिकन अभी 60-70 kg 70। पहले पहले तो भाई शुरुआत किए थे हम एक मुर्गी से, एक मुर्गी से लेकिन आज जो है ना 70-80 kg चिकन बन के बिकता है। तो यहाँ पे क्या बना रहे अभी आप? अभी पोट है, कलेजी है, गोड़ी मुड़ी है, जो जो छटनी बोलते हैं लोग, छटनी बोलते हैं। हाँ। अच्छा बाहर में तो क्या होता है ना, इस सब चीज को फेंका जाता है, तो यहाँ पे लोग खाते हैं क्या इसको? बड़ी चाव से खाते हैं, चाव से खाते हैं, ऑर्डर भी आता है इसका। हाँ भाई साहब ये कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर भी आता है लगता है, ये क्या छटनी बोलते हैं? हाँ, छटनी बोलते हैं, सब्जी मिक्स है, पोट है, कलजी है, गोड़ी मुड़ी है, मोटा चमड़ी है, ये सब मिक्स रहता है। और ऑर्डर आता है कि हमको 4-5 plates 100 का 200 का रख दीजिए, किसी को तो देते भी नहीं है जल्दी, फिर अगर खाना ज़्यादा पका हुआ रहता है। हाँ। और चिकन नहीं है तो बोले भाई हमको खाना बेचना है, छटनी बोलते हैं इसको जी। और जो बाहर में क्या तो फेंक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लोग ने इसको अलग से बनाते हैं कि उसमें डालते हैं चिकन के अंदर? नहीं नहीं, ये सब अलग बनता है, अलग बनता है, अलग बनता है, चिकन में नहीं डालते। इसके दीवाने हैं, ऐसे कह रहे हैं अंकल जी कि चिकन तो लोग कम खाना खाते हैं लेकिन इसको खाने के लिए आते हैं। डॉक्टर सुनते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, पिछले बार दिखाए थे वीडियो में, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, वकील हो गए, सब कोई आ रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए, इंजॉय कर रहे हैं अपने इस चिकन और चावल को भी, अनलिमिटेड ना? जी 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 अनलिमिटेड। कैसे पड़ता है आप लोग इतना सस्ते में, कैसे हो जाता है जी? पड़ता है तभी तो भाई दुकान चल रहा है। हाँ। अगर नहीं पड़ता तो दुकान बंद हो जाता। फिर बस तो जो अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, 4-5 परिवार हम लोग है, 5 परिवार है हम लोग, 5 परिवार है, दिन रात खटते हैं, मान लिया जाए कि दिन भर हम लोग खट रहे हैं, अगर हम लोग का हाजिरी भी हो जा रहा है तो बहुत है, 5 आदमी का हाजिरी मान, मतलब ये कह रहे हैं कि पूरा परिवार मिलकर काम करते हैं, इसलिए बाहर का लोग स्टाफ नहीं रखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए शुरुआत हो चुका है बनने का चिकन अपना, यहाँ पे कोयले की आज पे चढ़ चुका है कढ़ाई, और कैसे बनता चिकन वो अब दिखाते हैं आपको। सरसों का तेल है, यहाँ देखिए आ चुका है अभी सरसों का। कितना किलो बनाया भैया इसमें? इसमें 8-9 kg का बनेगा अभी, 9 kg के आसपास। कितना किलो बनता है पूरा पर डे आपके यहाँ पे? 80-90 kg 90 kg भाई साहब, यहाँ देखिए 90 kg चिकन जो है यहाँ बनता रहता है, मतलब एक लॉट खत्म हुआ फिर सेकंड लॉट फिर थर्ड लॉट फोर्थ लॉट, इस तरह से आपको चिकन जो है बिल्कुल गर्मा गर्म खाने के लिए मिलेगा। ये फ़ौरन के लिए खड़ा मिर्च डाल दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए तेल जो है गर्म हो चुका था, इसमें आ गया लाल मिर्च का छौका, पाउच का यूज़ करते हैं अभी। हाँ, गर्म मसाला पाउच का यूज़ करते हैं, इसमें अंदाज़ा लगता है कि इतना कितना लगेगा, इतना अंदाज़ा नहीं लगता है। तो ये आ गया इसमें खड़ा गर्म मसाला, उसके बाद आएगा इसमें प्याज, तो कब तक भूंजिएगा इसको भी? ये ब्राउन जब तक ना हो जाए, जब तक लाल ना हो जाए ब्राउन। यहाँ पे प्याज भुना रहा अपना, और एक तरफ देखिए यहाँ पे जो है रेडी कर रहे मसाला को, क्या क्या मिला है इसके अंदर में? धनिया पाउडर है, जीरा गोलकी है, जीरा है, तो ये घर का होता है पिसावा, बाहर से मंगाती है, बाहर वाला है, बाहर से मंगाती है, उसको मिला करके डालती है इसके अंदर में। तो यहाँ पर जो है प्याज अपना ब्राउन कर चुके हैं, अब इसमें क्या आएगा? अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट है, यहाँ पे आएगा अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, ये देखिए
बहुत बढ़िया। कब तक भूनिएगा इसको पूरा? 10 मिनट भूनेंगे इसको। 10 मिनट और भूनिएगा इसको भी। हाँ देखिए 10 मिनट के आसपास पूरा भूने इसको। अब इसमें आएगा चिकन, इसमें डाल दिए चिकन को। और अब देखिए 10-15 मिनट के आसपास भूनेंगे, और भूनने से क्या करते हैं वो दिखाते हैं आपको। ये हल्का सा डाले इसमें पानी। अभी चटनी वैसे लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं कि चिकन चटनी का? चटनी का ऐसा क्या चटनी में होता है भैया जी? उसका टेस्ट अलग है। तो देखिए लोग डिमांड ना इसका नहीं करते, चिकन का डिमांड नहीं करते, लोग डिमांड करते हैं चटनी का। चटनी कितने का मिलता है? 30 रुपये का सेम रेट है। इसे 30 रुपये मिलता है, वो भी 30 रुपये मिलता है कटोरा। चावल, हाँ। दाल, सब्जी, चिकन, चिकन 60 रुपये में जितना खाइए। 60 रुपये के अंदर मैंने आपको चिकन, चावल, सब्जी सब कुछ मिलेगा अनलिमिटेड। तो एक तरफ यहाँ पे ढक चुके हैं चिकन को, और दूसरी तरफ यहाँ पे डाल रहे हैं कटिंग करके प्याज को। इसको पीसिएगा भी आप? हाँ, पेस्ट बनाएंगे इसको। इसमें ग्रेवी गाढ़ा बनने के लिए पीस। अच्छा जी, तो यहाँ पे ग्रेवी जो है ना वो गाढ़ा बन जाएगा, इसलिए इसको पीस करके डालते हैं चिकन के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए चिकन जो अपना कुक हो चुका है, अब इसमें आएगा प्याज का पेस्ट। ये अप्रॉक्स जो है 2 किलो के आसपास प्याज होगा वाला? हाँ, 2 किलो। 2 किलो के आसपास प्याज का पेस्ट जो है वो चला गया। 1.5 किलो का होगा, 1.5 किलो के आसपास का। तो अभी जो है यहाँ पे चिकन को और प्याज को पूरा भूनेंगे अच्छे तरीके से। जीरा, गोलकी, धनिया, ये पायरेट मसाला है पाउडर, उसको हम अपना सा मिक्स किए हैं। यहाँ पे देखिए मसाला जो है जो आंटी मिक्स की थी वही वाला ना? हाँ। उसके बाद आएगा इसमें हल्दी पाउडर। फिर क्या? ये कम मात्रा में लाल मिर्च। ये आ गया लाल मिर्च। तो अभी जाएगा इसके अंदर में नमक। तो गाइस यहाँ पे देखिए चिकन जो है अपना ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, और बनते बनते यहाँ पे देखिए लोगों का लाइन यहाँ पे लग चुका है। सब लोग अपना प्लेट लेकर के खड़े हो चुके हैं। अभी मिलेगा क्या इसमें? इसमें मिलेगा, कोई लोग खाएगा सादा खाना, मतलब चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया। कुछ लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं चिकन और चावल को। ये देखिए आप लाइन चेक कीजिएगा, यहाँ पे रखा हुआ है चावल। इसमें क्या है? यहाँ पे देखिए ये है क्या घर का बना हुआ दाल। कौन दाल होता है ये वाला? मसूर। मसूर का दाल देखिए। और एक बार ये भीड़ चेक कीजिए भाई, मतलब देख के ना आपको मज़ा आ जाएगा इस जगह पे। और ये सब कुछ, सब कुछ इसलिए ना क्योंकि आपको मिल रहा है सब कुछ अनलिमिटेड। ये देखिए ये सब्जी किस चीज़ का है? सिमबी, सीम का और आलू का। सीम और आलू का। और इसमें आएगा चिकन। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे डालेंगे इसमें ये MDH का चिकन मसाला। और 8 किलो भाई साहब, वो हो ये लास्ट पे जाएगा, गार्निश कर देंगे धनिया पत्ता से, बहुत सुंदर। तो हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट अब बन के रेडी हो चुका है। चलिए थोड़ा सा आप लगवाते हैं अपना पेट हम भी अब, और करते हैं टेस्ट, देखते हैं कि स्वाद जो कैसा मिलता है। ये भीड़ जो है ना, आखिर इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है? यहाँ पर कुछ कस्टमर जो एंजॉय कर रहे हैं अपने इस फूड को। भैया नाम क्या हुआ आपका? मेरा संदीप कुमार मुंडा नाम है। और कैसा लगा आपको टेस्ट यहाँ का? टेस्ट यहाँ का बहुत जबरदस्त है, और मुर्गा चावल मिला खाने के लिए 1 नंबर लग रहा है हम लोग खाने में। 1 नंबर लग रहा है? 1 नंबर लग रहा है हम लोग खाने में। बहुत कहाँ जाते हैं खाने के लिए आप लोग? हम लोग बराबर यहाँ पे आ जाते हैं टोल में, कभी भी एक रास्ता में गुजरते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये होटल में उतर के एक बार मुर्गा भात खाते हैं, उसके बाद ही कहीं निकलते हैं हम लोग। अगर आप एक बार खाइएगा ना, समझिए बार बार आने का मन करेगा यहाँ। हम तो हमेशा आते रहते हैं भैया, जब भी इधर काम करने आते हैं तब यहीं आके खाते हैं। काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? डीजे वाला। डीजे का काम करते हैं? मतलब वहाँ नाचवाते हैं और यहाँ खाते हैं? इतना जबरदस्त टेस्ट है यहाँ, 5 बार 10 बार जितना खाना फेंकना नहीं है। बहुत ही टेस्टी लगा है, कम प्राइस में अच्छा खाना मिल जाता है। कितना खाना आपको? नहीं बोलिएगा आप, शर्मा गई। हम शर्माएंगे नहीं, हम दिखाएंगे, लगवाते हैं अपना पेट और करते हैं टेस्ट। अब देखते हैं कि यहाँ का स्वाद जो कैसा है। ये मिला है चावल, चावल थोड़ा सा मोटा मिलेगा आपको। साथ में यहाँ पे पालक डाल करके बनाया गया है दाल, और पानी नहीं है, मतलब इसको हिलाएंगे ना अगर हम इस तरीके से। तो देखिए दाल भी जो है ओके बढ़िया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। और यहाँ पर है, इसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं खाने के लिए, ये है इनका भुना हुआ चिकन। ये चिकन 2 टाइप का मिलेगा आपको, अगर आप बनते बनते आ गए हैं तो आपको मिलेगा भुना हुआ चिकन। निकलवा लीजिए अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ वो थोड़ा पानी को ऐड करते हैं ग्रेवी के लिए, तो हम निकलवाए हैं भुना हुआ। और अब लेते हैं इसको, हम प्लेट पे निकालते हैं इसको और दिखाते हैं कि ये कैसा है। देख रहे हैं, वाह जी वाह, बिल्कुल गाढ़ा सा चिकन। और ये मिलेगा 60 रुपये में आपको 4 पीस चिकन और चावल, अनलिमिटेड चावल, जितना मर्जी उतना खाइए। दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सिर्फ चिकन मिलेगा आपको 4 पीस खाने के लिए। तो वहाँ पर दिखाते हैं कि चिकन जो वो कैसा बना हुआ है। देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपका टेंडर चिकन हो चुका है। बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था, प्याज का पेस्ट जो है वो डालते हैं चिकन जो अच्छा बना। तो हम करते हैं थोड़ा लपेटते हैं इसको ग्रेवी के अंदर में, और देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है आखिर। इसका फ्लेवर जो है ना, यहाँ पर देखिए जो फ्लेवर है इसका, बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है, क्योंकि लोग आते हैं खाने के लिए चावल चिकन ना, तो अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा ना तो लोगों को खाने में मज़ा नहीं आएगा। हल्का लीजिए ग्रेवी और लपेटे चावल को, चिकन का पीस, और सिर्फ 60 रुपये के अंदर में। क्यों? क्योंकि पूरा परिवार जो मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पे, और लोगों की भीड़ देखिए एक बार, सब लोग लाइन लगा के खड़े हैं, प्लेट बनते हैं, प्लेट लेकर के खड़े हो गए अपने अपना नंबर लेकर के,
क्या अमीर क्या गरीब, सब लोग डॉक्टर प्रोफेसर सब लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। तो आइए एक बाइट करते हैं टेस्ट हम चावल को और चिकन को। ठीक है, ये नहीं कहेंगे बहुत वाव है, बहुत फैंसी है, लेकिन टेस्ट बढ़िया है। अगर कभी क्रॉस करें यहाँ से, भूख लगा है आपको ना, तो आप यहाँ पे आकर के चिकन चावल को खा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी ख़त्म करते हैं अपने इस पूरे प्लेट को, अपने इस वीडियो को। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी क्या करना है, भाई को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ तक पहुँचिए और इन्जॉय कीजिए ऐसे शानदार से सस्ता वाला चिकन और चावल को।